एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग में और हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो आप मेरी व्रत वाली रेसिपी तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा से व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, मैंने देखा है, लेकिन आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब जो मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छी लग भी रही है या नहीं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी, मेरी गार्डनिंग और जो ड्रेसेस वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नवरात्रे तो शुरू हो ही गए हैं आज से, तो क्यों ना हम नवरात्रों में कुछ ऐसी साड़ियाँ पहने कि अगर साड़ी सिंपल है और ब्लाउज अगर डिजाइनर है तो जो साड़ी हमारी सिंपल है वो ब्लाउज की वजह से एकदम उभर के आएगी। तो बस मैं वही दो चार साड़ियाँ तो बहुत है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सोच रही हूँ शुरुआत में आप लोगों को तीन चार साड़ियाँ दिखा दूँ किस तरीके से, और वो जो मैं दिखाऊंगी वो उसके जो ब्लाउज है वो सब मैंने खुद ही डिजाइन करे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि कौन सी साड़ी आपको अच्छी लगी। तो चलिए मैं ये सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको सबका फेवरेट कलर रेड। आई थिंक रेड कलर सबका फेवरेट होता है, लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है। हाँ, पहनती हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अभी नवरात्रों में रेड साड़ी ज़्यादा पहनेंगे तो मैंने सोचा पहले रेड साड़ी ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पहले मैं दिखाती हूँ उसका ब्लाउज, नहीं पहले साड़ी दिखा देती हूँ। चलिए साड़ी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इसमें हल्का सा ये बॉर्डर लगा हुआ है और ये डबल शेड में है, पैरेट और रेड, रेड तो नहीं है, एकदम टमाटरी कलर है। और इसमें ये देखिए ये स्टोन लगे हुए हैं। ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी लास्ट ईयर दिवाली पे, तो उसी टाइम मैंने पहनी भी थी। इसकी फोटो अगर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इसका पल्लू है, इसमें ये टेजर लगे हैं, बिल्कुल प्लेन सिंपल साड़ी है पर पहन के बहुत अच्छी लगती है। अभी नवरात्रों में तो ज़्यादातर लोग माता जी के दिनों में रेड कलर ही पहनते हैं, इसीलिए मैंने सोचा पहले रेड ही आपको दिखाऊं। तो ये देखिए पूरी प्लेन है, ये देखिए इस तरीके से, और इसका कलर बहुत अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, और इसके ब्लाउज को तो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो ब्लाउज जब डिज़ाइन किया है तो साड़ी तो अच्छी लगनी ही लगनी है। अगर सिंपल है, ब्लाउज अगर आपने बहुत अच्छा बनाया है, खुद बनाया है या स्टिच करवाया, साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज आप लोग पास से देखिए, इसमें मैंने ये लेस लगा रखी है, ये दो और ये गोल्डन, और इसका गला बहुत सुंदर लगता है पहन के, बहुत बहुत मुझे बहुत सुंदर लगता है। और इसकी स्लीव्स पे भी मैंने बॉर्डर लगाया है, और ये साड़ी के साथ में ब्लाउज नहीं आया था, इसमें आया था रेड कलर बिल्कुल प्लेन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने तरीके से बनाऊं उसको, तो ये जो कपड़ा है वो मैं लेके आई थी, इसको आई थिंक ब्रोकेट बोलते हैं, बस वही कपड़ा है ये, तो वो मैं लेके आई थी ब्रोकेट का, और ये इस तरीके से मैंने सिंपल सिला है पेंट वाला ब्लाउज, और इसका गला देखिए। तो बस इसी से साड़ी बहुत सुंदर लगती है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि मैं जो साड़ी दिखाऊंगी उसमें सबसे अच्छी आपको अपनी सेकंड साड़ी। तो सबसे पहले आप इसका ब्लाउज देख लीजिए, क्योंकि इसका ब्लाउज मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो मैं इसकी फोटो आपको दे दूंगी साइड से, आप देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अपने साड़ी का ब्लाउज, ये देखिए मैंने इसका डीप गला बनाया हुआ है, और इसमें कुछ इस तरीके की डोरी लगाई है, और इसकी स्लीव्स इस तरीके की हैं, इनको बोलते हैं फ्रिल स्लीव्स या अम्ब्रेला स्लीव। इसको पहनने पर ये इतनी सुंदर लगती है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। ये ब्लाउज भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, तो ये देखिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि जितने ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ तो उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा। तो ये भी ये आगे का ही है, लेकिन ये थ्री पीस प्रिंस कट मैंने बनाया हुआ, ये देखिए थ्री पीस प्रिंस कट बनाया हुआ है। तो ये देखिए इसकी स्लीव,
देखिए अब मैं इसकी साड़ी आपको दिखा देती हूँ। ये है इसकी साड़ी, ये देखिए साड़ी भी बहुत सुंदर है। ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, तो मैंने पहना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी, फोटो दिखाऊंगी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, इसमें ये जो बॉर्डर है इसमें जगह जगह ऐसे स्टोन लगे हैं और बिल्कुल प्लेन है, लेकिन कपड़ा इसका एकदम क्या बोलते हैं इसको, एकदम मलाई जैसा है। आप देखिए इस तरीके से, देखिए इसका कलर प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक बार देख के बताइएगा जरूर कि कौन सी साड़ी आपको अच्छी लग रही है। ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जब इसको मैं पहनती हूँ तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कलर भी बहुत सुंदर है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, उसको मैं यहीं से थैंक यू बोल देती हूँ। वैसे तो उसको पता ही है कि मैं उसको थैंक यू बोल चुकी हूँ, लेकिन अगर वो मेरी वीडियो देखेगी तो थैंक यू तो मेरा सुन ही लूँ। आपको थर्ड साड़ी, तो ये देखिए पहले साड़ी दिखा दूँ या ब्लाउज? चलो ब्लाउज दिखा देती हूँ पहले आप लोगों। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का गला मैंने डिज़ाइन किया है। ये देखिए काफ़ी डीप है, आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और इसकी 3/4 मैंने स्लीव्स रखी हैं, क्योंकि आजकल 3/4 बहुत फैशन में आ रही है, तो मैंने सोचा कि 3/4 सिंपल है। ये भी आगे के ही हुक का सिलाया, अधिकतर मेरे ब्लाउज आगे के ही हुक के हैं, दोनों सिल लेती हूँ मैं, लेकिन कंफर्टेबल तो ये है कि बैक हुक भी रहता है, ये भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी साड़ी दिखा दे एक बार, आप डिज़ाइन और देख लीजिए। और इसमें मैंने डोरी लगा के कुछ इस तरीके के टैसल्स लगाए हुए हैं, तो इसकी साड़ी दिखाती हूँ। साड़ी इसकी बहुत सुंदर है, आपको भी बहुत पसंद आई हो। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, अभी मैं घर गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये देखिए ये इसका पल्लू है, कुछ इस तरीके से इस पर स्टोन लगे हैं, टेजल्स लगे हैं, और ये लेस दो तरीके की लेस है, तीन तरीके की, 1 2 3 तीन तरीके की लेस है, लेकिन साड़ी पूरी ऑल ओवर एक जैसी है, लेकिन साड़ी पहनने पर बहुत सुंदर लगती है। आप ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए आप, ये देखिए पूरी प्लेन है, ये देखिए इस तरीके से बस सिंपल सा बॉर्डर है। तो बस अगर कोई भी सिंपल साड़ी है, आप उसको अगर डिजाइन करना चाहते हो, हैवी लुक देना चाहते हो, तो आप बस ब्लाउज को इतने अच्छे से स्टिच करवाइए कि लोगों की नज़र साड़ी पर न जाते हुए आपके दिखा रही हूँ आपको अपनी लास्ट साड़ी। साड़ी बहुत है, लेकिन ये मेरी साड़ी की पहली वीडियो, तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बराबर साड़ियाँ दिखाती रहूँगी। तो ये साड़ी मेरी 4th साड़ी है, आप ये देखिए। ये भी गोल गला है, लेकिन मैंने इस तरीके से इसमें लेस लगाई है, क्योंकि मैंने इसकी स्लीव्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए ये भी आगे ही उक्का है, सिंपल बेल्ट वाला ब्लाउज है। ये देखिए इसकी स्लीव्स देखिए आप, कुछ इस तरीके से मैंने बना। अभी ये बहुत ट्रेंड में है ये वाली स्लीव्स, अगर डबल शेड में आपकी साड़ी है तो ये वाली जो स्लीव्स जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये मैंने अलग से डिज़ाइन करा हुआ है, ये मैंने खुद ही, जितने भी ब्लाउज और आपको दिखाती हूँ ना, मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। आप ये देखिए इस तरीके से, और ये पहन के बहुत सुंदर लगती है। आप ये देखो, तो मैं आपको इसकी साड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी साड़ी है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, डबल शेड है। नवरात्रों में ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक साड़ी हम लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन महाराष्ट्रियन जो है वो ब्लैक साड़ी अधिकतर पहनते हैं, संक्रांति वगैरह जो रहती है उन लोगों की अब ब्लैक साड़ी ही मेन रहती है। तो अपन ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहन सकते हो, बिल्कुल प्लेन ब्लैक नहीं पहनना है। ये डबल शेड में मैं आपको दिखा, ये देखिए इस तरीके से इस पर बॉर्डर लगा है। इसका जो कपड़ा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मार्बल का कपड़ा है। ये देखिए बिल्कुल प्लेन है पर बहुत सुंदर लगती है। ये इसका पल्लू है ब्लैक, ये देखिए ये है साड़ी। अब आप लोग बताइए कि साड़ी कैसी लग रही है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मुझे तो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इसका जो मैंने ब्लाउज बनाया है ना वो इतना सुंदर लगता है इसके साथ। अभी मैं आपको फोटो डाल दूंगी, आप देखिएगा फिर बताइए। ये देखिए साड़ी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और हल्का हल्का इसमें साइन भी है, आप देखिए। तो बस ये मेरी हो गई 4 साड़ियाँ। अब आप लोग मुझे
कमेंट कीजिए कि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाऊं, तो आप मुझे जरूर कहिए, मैं आपके लिए जरूर इस तरीके की वीडियो लाती रहूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरी किचन रेसिपीज तो देखते ही रहिए, वो तो मैं डालूंगी। अगर आप ये मान लीजिए कि अगर कोई सी भी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन किचन वाली तो आपको डेली एक वीडियो दिखेगी। और ब्लॉग का तो ये है, मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, तो अपने अभी तो मैं बहुत सारा कलेक्शन लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि नवरात्रि जाएंगे तो उसके बाद करवा चौथ आएगा, तो करवा चौथ में मैं आप लोगों को जो मैंने खुद स्टिच किए हैं लहंगे वो आप लोगों को बताऊंगी। फिर आएगी दिवाली, दिवाली का भी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। अभी तो मुझे शॉपिंग भी करनी है करवा चौथ की, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी।